भूषण ज्वेलर्स। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने शुक्रवार को शिमला जिला के रामपुर बुशहर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लवी एक व्यावसायिक मेले के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि लवी मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है और यह व्यापारी गतिविधियों के साथ साथ अपनी समृद्ध पुरानी परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। राज्यपाल ने प्रदेश के लोगों से लवी मेले के साथ साथ लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रत्येक वोट लोकतंत्र को मजबूत करता है, इसलिए सफल लोकतंत्र के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि लोग सभी धार्मिक और पारंपरिक त्योहार को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पारंपरिक मेले और त्योहार के पुराने गौरव को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने के ईमानदार प्रयासों के लिए आयोजकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेले में प्रदर्शित ऊनी वस्त्र, सूखे मेवे और अन्य पारंपरिक शिल्प और उत्पाद अद्वितीय हैं। मेले में पारंपरिक कारीगरों और किसानों को लाभान्वित करने और उनके प्रचार और बिक्री के लिए बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। राज्यपाल ने इस अवसर पर किन्नौरी बाजार और विभिन्न संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और उनमें गहरी रुचि दिखाई। उपायुक्त एवं अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष आदित्य नेगी ने राज्यपाल का स्वागत किया और मेले के दौरान आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका भट्टगुरु और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। अनेक वर्षों से आया हुआ यह लवी उत्सव आने वाले समय में और भी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ के आयोजन समिति के सभी सदस्य, खास करके हमारे उपायुक्त, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका आयोजन किया है और यह सभी हम सबके लिए एक प्रेरणादायी होता है। मैं आप सबके यहाँ बीच ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, परंतु आप जिस उत्साह से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से यह मेला शुरू हो रहा है और आने वाले कल को और एक उत्सव हम मना रहे हैं, हमारे लोकतंत्र का उत्सव कल हम मनाएंगे। अपने देश की, अपने प्रदेश की जो भी विकास की काम कार्य प्रतिका होती है उसके लिए अपने अनुसार अपनी सरकार लाने का लोकतंत्र का प्रावधान अपने देश में हुआ है। आने वाले कल में हम यहाँ मतदान करने वाले हैं, यानी कल यानी 12 तारीख को। यह मतदान इसलिए होना चाहिए, आप सबके विकास के लिए होना चाहिए, आप सबके विचारों के अनुरूप होना चाहिए। और इतने वर्षों से आप जो मतदान कर रहे हैं उसी ढंग से इसको और बढ़ा चढ़ाकर मतदान करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब हम उसमें सम्मिलित होते हैं और हमारा सम्मिलित होने का अवसर कल आ रहा है। हम जितनी बड़ी मात्रा में मतदान करने के लिए बाहर निकलेंगे और मतदान करके घर में वापस आएंगे, उतनी बड़ी मात्रा में हमारा लोकतंत्र विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मेरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस लोकतंत्र के उत्सव में भी ऐसे ही बढ़ चढ़ाकर अपना उत्साह प्रस्तुत करेगी और इसमें सहभागी होकर लोकतंत्र को एक बार फिर से एक सफल लोकतंत्र बनाने में सहयोग देगी। आप सबको फिर एक बार आज के इस लवी उत्सव की शुभकामनाएं और कल के लोकतंत्र के उत्सव के लिए फिर एक बार शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।